वेलकम। सिल्वर में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। देखिए, ये जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, देखिए सबसे पहले मैं जो चार्ट यूज कर रहा हूँ वो यूएस डॉलर वर्सेस सिल्वर है, तो इसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि सिल्वर एमसीएक्स पर क्या असर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार आप इसे ही देख लीजिए, ये मूवमेंट आ चुकी है इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग हुई है इस हाई पर। डेली चार्ट पर आप देखें तो यहां पर मार्केट है, एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन है। यहां पर देखेंगे अगर इसमें, तो इस सेल ऑफ के बाद यहां पर बायर्स कोशिश कर रहे हैं इसे ब्रेकआउट करने की। ठीक है, तो अब क्या बायर्स के पास दो चीजें हैं, क्या इतना पोटेंशियल है कि इस ऊपर जा पाए? देखिए, थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है, लेकिन फिर से ऊपर की तरफ ये जो चैनल दिख रहा है ना, इसमें इस तरह की सेलिंग आने के चांसेस है। तो अब इसे हम लोग और भी आगे समझते हैं कि इस यूएस डॉलर वर्सेस सिल्वर का जो चार्ट है फॉरेक्स का, इसके थ्रू इस पर क्या असर है, इन चीजों को देखेंगे। देखिए, फिर से यहाँ पर एक अटेम्प्ट हमें दिख सकता है एक अपसाइड मोमेंट, लेकिन हमें देखना है कि नेक्स्ट डे में इस पर। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा वीकली चार्ट पर देख लीजिए, 1 वीक के चार्ट पर आप देखिए हो क्या रहा है। यहां से ब्रेकआउट मिला, आप इस एरिया के ऊपर देखिए, यहां पर मार्केट ऊपर कोशिश कर रहा है जाने की, लेकिन सेल ऑफ आ गया। अगर अगर मार्केट को इस प्राइस रेंज में रहना होता तो इस लेवल के ऊपर ही मार्केट रुकता और यहां से बाउंस होता, इसे ट्रेंडिंग मूव कहते हैं। लेकिन जब यहां से इसे रेसिस्टेंस, देखिए बायर्स ने कोशिश की है ऊपर जाने की, लेकिन अगर यहां से इसे रेसिस्टेंस फेस करना जैसा कि पड़ रहा है और ऊपर नहीं जा पाए, तो वापस से इस लेवल तक मार्केट आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीक में पूरे मूवमेंट की समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नेक्स्ट वीक में अगर आप समझे तो एक बारी मार्केट ऊपर एक रिट्रेसमेंट लेके सेल ऑफ होने के चांस। हमारे लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? 31,200 के लेवल इंपॉर्टेंट है। ये एरिया जब तक सेफ है तो आप समझिए कि मार्केट सेफ। आप जैसे देखिए ये वाला रेंज, आप इस लेवल को भी ले सकते हैं, 3,800, 30.800। ठीक है, ये वाला एरिया। अब यहां पर एक रेंज था मार्केट में, इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है। अब इसके बाद अगर मार्केट इसे ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, इफ बायर्स गॉट फेल, ठीक है, ये ट्रेंड दिख रहा है, ये स्ट्रांग है अभी, बायर्स ठीक है, स्ट्रांग है, दे कैन अटेम्प्ट टू ब्रेक दिस रेसिस्टेंस एरिया। तो अगर ब्रेकआउट होके सस्टेनेंस है ना, तो ही आप ये समझना कि इस लेवल तक मार्केट आएगा। लेकिन अगर यहां से रिजेक्शन मिला तो मार्केट स्लोली एंड स्लोली नीचे की तरफ फिर से इस लेवल तक आएगा और इवन इसके नीचे भी जा सकता है। तो ये एक क्रूशियल लेवल है। अगर यहां से रिजेक्शन हमें फेस 1-2 दिन में देखने को मिलते हैं, तो आने वाले वीक में एक डाउनसाइड की मूवमेंट, मतलब आप ये पूरा जो एरिया है वो कैप्चर इस ट्रेंड को किया जा सकता है, इस तरीके से आप समझ। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चन है, कंसर्न मेन ईमेल। थैंक्स वॉचिंग गाइस।